क्लास 8 रेशनल नंबर। आज का टॉपिक है अपने इसके अंदर अपन रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, उनके बेसिक ऑपरेशन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं और उनका जो रेसिप्रोकल वगैरह की जो प्रोसेस होती है या उनकी जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उसके बारे में अपने इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन रेशनल नंबर देखा है, रेशनल नंबर होता क्या है तो वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको दे रखी है, उसको आपको ध्यान रखना और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो रेशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द क्वोटेंट क्वोशेंट एंड और फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू। मतलब कि एक जो अपने रेशनल नंबर है वो एक नंबर हो सकता है जिसको अपन या फिर तो क्वेश्चन के हिसाब से अपन उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर अपन फ्रैक्शन के हिसाब से बता सकते हैं जिसके अंदर पी अपॉन क्यू फॉर्म के अंदर अपन लिख सकते हैं। पी क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है पी अपॉन क्यू और टू इंटीजर एन न्यूमरेटर पी, जिसके अंदर पी क्या होता है एक न्यूमरेटर होता है एंड ए नॉन जीरो डिनोमिनेटर क्यू, और उसके अंदर एक क्यू होता है जो डिनोमिनेटर होता है और उसके अलावा क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती। ये चीज अपन ने पहले भी पढ़ी है और आपको बता रहा हूं कि क्यू की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में कभी भी जीरो नहीं होती है, क्योंकि अगर जीरो होती है तो पी वाली की वैल्यू भी आपको वो क्या कर देगा, जीरो कर देगा और जीरो कभी फ्रैक्शन नहीं होता। तो इस चीज आपको ध्यान देनी है सिंस क्यू मे बी इक्वल टू 1 और जो क्यू की वैल्यू है वो क्या होती है 1 के बराबर होती है। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर और हर एक रेशनल नंबर क्या होता है एक हर एक इंटीजर क्या होता है एक रेशनल नंबर होता है। इस चीज आपको ध्यान देनी है। वापस देखेंगे अपन शुरू से, ए रेशनल नंबर इज ए नंबर, ए रेशनल नंबर एक नंबर होता है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड जिसको अपन लिख सकते हैं एज द क्वेश्चन और फ्रैक्शन p / q ऑफ टू इंटीजर्स, मतलब p / q फॉर्म के अंदर अपन उस इंटीजर को लिख सकते हैं। ए न्यूमरेटर p एंड ए नॉन जीरो q डिनोमिनेटर जिसके अंदर आपके q की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है और हर एक इंटीजर जो होता है एक रेशनल नंबर होता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। उसके बाद आपको देखेंगे कुछ ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर। ऑपरेशंस ऑफ रेशनल नंबर कौन-कौन से होते हैं, जैसे एडिशन है, सबट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। इसके अंदर आज अपन केवल एडिशन के बारे में पढ़ेंगे और जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे अपन दूसरे जो भी है जैसे सबट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है उसको अपन पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले आज अपन केवल एडिशन के बारे में पढ़ेंगे कि एडिशन को किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले अपने एडिशन, अब एडिशन को किस तरीके से किया जाता है ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है। तो सबसे पहले अगर आप एडिशन देखें तो a / b + c / d, जब a / b एक रेशनल नंबर है दूसरा c / d दूसरा एक रेशनल नंबर है तो a / b को c / d के साथ ऐड कर दिया जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके d / f के बराबर में। ये चीज आपको ध्यान देनी है और किस तरीके से आएगी वो चीज भी आपको ध्यान देनी है। अगर अपन देखते हैं कि a / b और c / d अगर ये दोनों अगर b और d अगर दोनों की वैल्यू अगर सेम होती है तो जो b और d की वैल्यू है वही वैल्यू किस में आ जाएगी आपके f के अंदर आ जाएगी, और b और d की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोनों को LCM लेना पड़ेगा और LCM लेकर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अपन देखते हैं आगे किस तरीके से होता है। जैसे अगर अपन सबसे पहले देखें एग्जांपल के तौर पे, अगर एग्जांपल आप अगर देखें तो इसके अंदर जैसे देखते हैं अपन 3/7 प्लस 4/ या फिर यहाँ लिख दो आप 2/7, जिस 3/7 प्लस 2/7 एक रेशनल नंबर है जिसके अंदर आपको b और d की वैल्यू 7 और 7 दे रखी है, मतलब सेम दे रखी है आपको एक लाइक फ्रैक्शन के अंदर अपन कह सकते हैं लाइक रेशनल नंबर है। इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे तो वो देखेंगे अपन जैसे इसमें 7 और इसमें 7 दोनों में 7 दे रखा तो इसके अंदर भी डिनोमिनेटर क्या आएगा आपके 7 आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है। फिर उसके बाद अपन ऊपर देखेंगे 3 और 2 दे रखा दोनों को प्लस करने के लिए बोला हुआ है तो इसको ऐसे लिख देंगे अपन 3 + 2।
अब देखेंगे 3O2 कितना जाता है, 5 जाता है, और 7 का क्या जाता है, 7 जाता है। ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान देनी है। आगे सर ये एक सिंपल सा रेशियो नंबर था जिसके अंदर आपको लाइक फ्रैक्शन के तौर पर था, जिसके अंदर जो डिनोमिनेटर थे दोनों की वैल्यू क्या थी, 7 थी आपके। अब अपन करेंगे इसके बाद में जो एक है डिफरेंट वाला होता है, तो डिफरेंट वाले के अंदर अगर अपन देखें, ये तो था फर्स्ट वाला। अब अगर अपन सेकंड नंबर लेंगे तो सेकंड नंबर वाले के अंदर अगर अपन देखते हैं, जैसे आपको देखा है टू अपॉन फाइव प्लस वन अपॉन सिक्स, ये रेशनल नंबर करके अब किस तरीके से इनको ऐड किया जाएगा वो चीज़ अपन देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में डिफरेंट करके हैं, तो अपन क्या करेंगे एलसीएम ऑफ फाइव एंड सिक्स, अगर फाइव और सिक्स का अगर एलसीएम देखें तो क्या आएगा, तो एलसीएम ऑफ फाइव एंड सिक्स इज 30, ठीक है, क्योंकि 5 की टेबल और साइज 5 और 6 का अगर एलसीएम देखें तो कितना आता है 30 आता है, और बाय चांस अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो इसका दूसरा तरीका ये है कि 5 की टेबल और 6 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों टेबल में कॉमन आता है, तो वो सबसे पहले कौन सा आएगा, वो आएगा आपके 30। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो अब आप लोग क्या करना है, 2 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, 5 और 6 कॉमन क्या, सॉरी एलसीएम क्या है 30, तो नीचे क्या जाएगा 30 आएगा। आगे जैसे हम अब अपन देखेंगे कि 5 की टेबल में जो 30 है वो कितनी बार आता है, तो 5 30 को 5 से डिवाइड करके देखो तो 5 6 या 30 6 टाइम आता है, 5 6 या 30 होता है, तो उसी 6 को लेके उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 की टेबल में 30 जो है वो 6 टाइम आता है, उसी 6 को लेके उसी के ऊपर वाला मतलब 5 के ऊपर वाला क्या है वो है, तो 5 6 या 30 6 को लिया और उसी के ऊपर वाला मतलब 6 2 या कितना हो गया 12, समझ आ गई होगी। उसके बाद हम बीच में प्लस का साइन लगाया हुआ है, प्लस का साइन लगा देंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे अपन 6 देर का, तो 6 की टेबल 30 जो है कितनी बार आता है, 6 5 से 30 5 बार आता है, उसी 5 को लेके उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, समझ आ गई होगी। अब देखेंगे कि 12 और 5 कितना होता है, तो वो होता है आपके 17 अपॉन 30। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। अब ये चीज हम ये चीज आपको करनी है इसके अंदर, और थोड़ा ध्यान रखना है। एक और कर लेते हैं अपन, जैसे अगर आपको दरखा है इसके अंदर 1/3 प्लस 3/5, जैसे ये दो रेशनल नंबर दे रखा है दोनों को आपको प्लस करना है, किस तरीके से होगा वो चीज आपको ध्यान देनी है। तो सबसे पहले अगर अपन देखिए तो दोनों जो है वो क्या है, अनलाइक में है, तो अनलाइक में होने की वजह से क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर लाइक होता है तो उसको हेजेस जैसे उसको सेट कर दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर अगर अनलाइक है तो अनलाइक के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1/3 प्लस 3/5 दे रखा है, तो 1/3 प्लस 3/5 मतलब 3 और 5 का एलसीएम क्या है, तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज 15, मतलब 3 और 5 का एलसीएम क्या है 15 है। तो अब देखेंगे अपन 1/3 प्लस 3/5 जैसे दे रखा है, तो 5 और 3 दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है अपने पास में 15 आ रहा है। 3 की टेबल में जो 15 है वो कितनी बार आता है, तो 3 टेबल में 15 देखा तो 3 5 से 15 होता है, 5 टाइम में आता है, उसी 5 को लेकर उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 5 बन जाए क्या होगा 5 हो जाएगा, तो 5 बन जाए 5 प्लस 5 की टेबल में 15 अगर देखें तो 5 की टेबल में 15 देखें तो 3 टाइम आता है, 5 3 15 होता है, उसे 3 को लेकर उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देना, तो 5 और 9 कितना होता है, रिजल्ट जो होता है 14 अपॉन 15। ये चीज आपको ध्यान देनी है और इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब ये तो है अपने कॉमनली तरीके से एक नॉर्मल थे, एक अपन थोड़ा डिफरेंट वाला कर लेते हैं इसको, इसके अंदर आपको दरकार है सर फोर्थ नंबर 3/4 प्लस माइनस 2/5, जैसे ये देख रहे हैं तो 3/4 प्लस और माइनस का 2/5, 3/4 पॉजिटिव का है, 2 माइनस का सॉरी 2/5 जो है वो माइनस का है, नेगेटिव का है, इन दोनों को क्या करना है आपस में प्लस करना है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, तो इस तरीके से करोगे तो वो चीज देखनी है आपको। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसके अंदर,
4 और 5 दोनों डिफरेंट है, मतलब कि अनलाइक फ्रैक्शन के तौर पे दे रखा है। तो 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इज 20। 4 और 5 का अगर एलसीएम देखा तो क्या आएगा, 20 आएगा सीधी सी बात है। अब इसके अंदर देखते हैं अपन कि 3 अपॉन 4 वापस ऐसे लिख दो प्लस माइनस का 2 अपॉन 5 कॉमन, सॉरी एलसीएम आपके 20 है। 4 के टाइम में 20 कितनी बार आएगा, 5 से 20 होता है उसी 5 पर लेके उसी के ऊपर वाले सर, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 कितना होता है 15 होता है। तो 5 3 15, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। आगे चीज समझो, और उसके बाद देखेंगे 5 के टाइम में जो 20 है, जो 5 के टाइम में 20 जो है कितनी बार आता है, 4 टाइम में आता है, 4 5 4 जब 20 होता है तो उसी 4 को लेके ऊपर वाले सर, मतलब 4 2 कितना होता है 8 हो जाता है। तो 4 2 8, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। 5 4 20 4 2 8 ये चीज समझ आ गई। अब बीच में जैसे यहां पे अपने माइनस लगा हुआ है तो अपन यहां पे क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे और उसको कर देंगे ब्रैकेट में फिट। समझ आ गई होगी इतना। अब उसके बाद अपन आगे देखते हैं, ये जैसे 15 देखा है तो 15, बीच में प्लस देखा है तो प्लस, सॉरी अब देखेंगे अपन एक चीज और देखेंगे इसके अंदर, जैसे 15 प्लस है और माइनस का 8 है, अगर जब अपन ब्रैकेट में खोल देंगे तो इस तरीके से कुछ दिखेगा अपन को 15 प्लस माइनस 8। अब देखेंगे अपन इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों साइन पास पास में आ गए, तो दोनों जब पास पास में आते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, साइन चेंज होता है। और वो साइन किस तरीके से चेंज होता है वो देखते हैं अपन। माइनस और माइनस जो होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस रहता है, लेकिन प्लस और माइनस जो होता है वो किस चेंज होता है, माइनस चेंज होता है। ये ध्यान रखना, जब सेम साइन रहता है तब तो प्लस में ही रखना आपको, जैसे माइनस माइनस है तो भी प्लस में, प्लस प्लस है तो भी प्लस में, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का अगर हो जाता है तो आपको इसमें चेंज कर देना है, माइनस में चेंज करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अपन इसमें ध्यान देंगे, नीचे जैसे 20 दर है, 15 प्लस माइनस का एक है तो प्लस और माइनस दोनों घटेंगे तो प्लस माइनस की क्या जाएगा, यहाँ पे आपके क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा आपके माइनस का साइन, ये ध्यान देंगे आपको। ठीक है, 15 पॉजिटिव है, 8 नेगेटिव है। अब करेंगे अपन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब 15 में से 8 को माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इस वजह से अपन माइनस कर रहे हैं इसको। तो 15 और उनमें से 8 को जब माइनस कर देंगे पीछे बचेगा मेरे हिसाब से 7। और अब देखेंगे दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, 15 है कि 8 है, तो वो अपन दिख रहा है 15 है, तो 15 का अपन साइन क्या रखा, पॉजिटिव रखा, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और नीचे 20 है तो इसको नीचे से 20 अपन लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो भी आपके एडिशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब आगे एक चीज़ और है जिसके अंदर दे रखा है कि एडिशन ऑन नंबर लाइन, अगर आपको नंबर लाइन पर अगर एडिशन को सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाता है तो किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ये चीज़ भी आपके लिए डिफरेंट है, तो आप देखेंगे अभी। इसके बाद अगला टॉपिक है अपने पास में एडिशन ऑन नंबर लाइन, जिस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है तो वो चीज देखते हैं अपन। तो सबसे पहले जो भी अगर आपको एडिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रखी होती है तो उसको आपको नंबर लाइन पे सॉल्व करने के लिए भी आपको बोल दिया जा सकता है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर अपन नंबर लेंगे जैसे 5/3 प्लस 7/3, ये आपको नंबर दे रखा है, किस तरीके से अपन करेंगे ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो अपन सबसे पहले अगर अपन देखें तो इसके अंदर जैसे 5/3 प्लस 7 माइनस का 7/3 है, तो इसके अंदर देखेंगे अपन सबसे पहले 5/3 प्लस माइनस का 7/3 दे रखा है, तो इसके अंदर अपन सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/ दोनों के अंदर 3 दे रखा है डिनोमिनेटर के अंदर, तो 3 नीचे जाएगा। अब ऊपर देखेंगे अपन तो 5 और बीच में प्लस और माइनस का 7, ये चीज आनी है। ठीक है, अब अगर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाने अपन 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 3, ये चीज आपको ध्यान देनी है। और उसके बाद अगर अपन देखें तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 7 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो पीछे कितना आएगा, 2, और इसी कितना आएगा 7, और 5 और 7 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है, 7 का साइन क्या देगा, नेगेटिव देगा, तो यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देनी है।
और इस चीज को आपको करना क्या है, सॉरी यहाँ पे आपके 7 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आ रहा है। अब अगर अपन देखें तो इसके अंदर ये सारी जो प्रोसेस है वो आपको नंबर लाइन पे शो करनी है। तो सबसे पहले अपन को करना क्या है वो चीज देखेंगे अपन। जैसे ये दरकार, अब अपन इसके अंदर ये करेंगे ये कि सबसे पहले अपन को जैसे नंबर कौन सा दरकार, 5.3 दरकार, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हो रहा है, 5.3 से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले 5.3 बना लो, जैसे मैंने यहां पे बनाया 5.3, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो 5.3 के यहां पे दरकार, तो इससे जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा, 4.3, उससे पहले कौन सा होगा, 3.3, उससे पहले कौन सा होगा, 2.3, उससे पहले कौन सा होगा, 1.3। तो ये आपको मेंशन करनी है सबसे पहले, जैसे 4/3, उसके बाद देखें 3/3, उसके बाद पहले देखें तो 2/3, फिर उसके बाद देखें तो 1/3, फिर उसके बाद देखें तो 0/3, उससे पहले देखें तो क्या हो जाएगा आपके -1/3, माइनस का 2/3, माइनस का 3/3, माइनस का 4/3, माइनस का 5/3। ये चीज आपको इसमें ध्यान देनी है। इस तरीके से ये नंबर रहते हैं। और अगर दूसरी साइड वगैरह को देखें तो क्या नंबर हो जाएंगे आपके, जैसे 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 10/3। ये चीज देखिए समझ आ गई होगी यहाँ पे। अब देखेंगे अपन कि 5/3 प्लस माइनस 7/3 देख रहा है, तो इसको छोड़ो अपन आ जाते हैं यहाँ पे। तो अगर ये चीज अगर देखते हैं तो इससे पहले अपन ये चीज देख सकते हैं कि अगर इस प्रोसेस को अगर अपन नहीं लिखते हैं तो इसके अलावा अपन क्या लिख सकते हैं इसके अंदर। अगर आपने इसको चेंज करें तो क्या हो सकता है आपके पास 5/3, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो सकता है आपने 7/3 हो सकता है। आगे चीज समझ, 5/3 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7/3 का 7/3 लिखा है। तो अब इसने क्या कहा है, ये चीज आपको ध्यान देनी है कि 5/3 से माइनस की साइड में, माइनस साइड कौन सी होती है आपके, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये चीज अपन ने पढ़ी होगी कि जो नंबर लाइन होती है, उस नंबर लाइन के अंदर जो लेफ्ट साइड होती है उसके साइड में कौन सा नंबर होता है, नेगेटिव होता है, और राइट साइड के अंदर अपन नंबर देखें तो कौन सा होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। आगे चीज समझ, इधर होगा आपके नेगेटिव का और इधर होगा आपके पॉजिटिव का। ये चीज आपको पता है। तो इस चीज के अंदर देखने की आपको इसने बोला है कि 5/3 से माइनस के साइड के अंदर आपको चलना है 7 स्टेप्स, 5/3 से नेगेटिव साइड के अंदर 7 स्टेप्स आपको चलना है। तो आपको देखना है 5/3 कहां पे दे रखा है, ये आपको देख रहे हैं यहां पे, समझ आ गई बात। इससे आपको नेगेटिव साइड में, मतलब नेगेटिव साइड कौन सी होगी, ये साइड आएगी, मतलब लेफ्ट साइड के अंदर। अब इसके अंदर कहा है कितने स्टेप, 7 स्टेप। तो अपन करेंगे यहां पे है तो यहां से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कौन सा नंबर आया आपके पास में, माइनस का 2/3, और यही माइनस का 2/3 आपको आंसर में दिख रहा है। इस तरीके से आपको इसको नंबर लाइन पे भी सॉल्व करना है। इस तरीके से करते हैं वो आपको पढ़ने में टेंडेंसी होती है, और जिस तरीके से ये आपने किया उसी तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे वापस समझेंगे अपन शुरू से लेकर एंड तक, जैसे आपको देखा 5/3 प्लस माइनस का 7/3 देखा है, तो आप लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो जैसे 5/3 देखा है तो इसमें भी और इसमें 7/3 देखा है, तो 3/3 देखा है, तो मतलब कि नीचे साइड सारे नंबर कौन से होने चाहिए, आपको 3 होने चाहिए, और एक नंबर कई बार अपन 5/3 सेट कर सकते हैं। अब उससे पहले के नंबर और उसके बाद के नंबर लिख दो आप, अब उसके हिसाब से आपको देखना है कि ये आगे कह रहा है प्लस माइनस 7/3, तो प्लस माइनस माइनस होता है और 7/3 होता है। तो अब अपन देखेंगे कि नेगेटिव साइड चल रहा है और कितने स्टेप चल रहा है, 7 स्टेप। तो नेगेटिव साइड चलेंगे और 7 स्टेप चलेंगे, तो 1 2 3 4, अगर इस तरीके से किया तो आपके कौन से नंबर पे आ गए, माइनस का 2/3, और वही अपने आंसर लिख रहा है अपन को। ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान देनी है। अब इसके बाद कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आपको करना है होमवर्क में। इसके अंदर अगर अपन देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, माइनस का 5.7 प्लस
6 अपॉन 7 दैट है। अब इसको किस तरीके से आप लोग सॉल्व करते हो वो आपको ऊपर है, माइनस का 5 अपॉन 7 ब्रैकेट के अंदर है प्लस 6 अपॉन 7 दे रखा है, इनको आपस में ऐड करना है। इस तरीके से होगा, उसे देखते हैं अपन। तो 7 और 7 क्या देखा है, 7 है तो नीचे क्या देगा, 7 देगा, ऊपर क्या है माइनस का 5 प्लस 6। समझ आ गई बात, ये चीज है, इसको ब्रैकेट ओपन कर लो। अब अगर अपन देखें तो माइनस का 5 प्लस 6 अपॉन 7, एक माइनस का एक प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है, तो 6 से 5 को जब माइनस करेंगे तो पीछे कितना बचेगा आपके पास में 1 और नीचे क्या जाएगा आपके पास में 7। आगे चीज समझ में। अब अगर अपन देखें तो 5 और 6 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, तो 6 का साइन क्या देखा, प्लस देखा, तो यहां पे क्या देखा आपको प्लस का साइन देखा। तो इस तरीके से आंसर क्या आ गया आपके 1 अपॉन 7 इसका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से अगर आप अगला अपन देखें तो जैसे देखा है आपको माइनस का 4 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 5, इसे इधर को सॉल्व करना है। तो अगर आप देखें 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज 15। अब अगर देखें तो माइनस का 4 अपॉन 3 प्लस 2.5 = 15, 3 5 = 15, 5 4 = 20, 20 + 5 = 15, 5 + 20 = 15, 15 + 14 = 20, 14 + 6 = 20, 20 + 6 = 14, 14 + 6 = 20, 20 + 6 = 14, 14 + 6 = 20, 20 + 6 = 14, 14 + 6 = 20, 20 + 6 = 14, 14 + 6 = 20, 20 + 6 = 14, 14 + 6 = 20, 20 + 6 = 14, 14 + 6 = 20, 20 + 6 = 14, 14 + 6 = 20, 20 + 6 = 14, 14 + 6 = 20, 20 + 6 = 14, 14 + 6 = 20, 20 + 6 = 14, 14 + 6 = 20, 20 + 6 = 14, 14 + 6 = 20, 20 + 6 = 14, 14 + 6 = 20, 20 + 6 = 14, 14 + 6 = 20, 20 + 6 = 14, 14 + 6 = 20, 20 + 6
ये जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है और वापस प्रैक्टिस करनी है और चेक करना है अपने आपको कि कितना क्या आपको आ रहा है। ये इसके कुछ नोट्स दिए हुए हैं आज के, जो अपन ने आज रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा है। तो इसके अंदर सबसे ऊपर आपको डेफिनेशन दे रखी है, उसके बाद में उसके कुछ ऑपरेशंस दे रखे हैं, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपको, ये आपको नंबर लाने वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद इधर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपको खुद को सॉल्व करना है।